व्हाट्स अप गाइस, कैसे आप सब लोग? आए पप से बड़ी अपनी दाद से बनाने ब्लॉग की जगह क्राफ्ट। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक ही होंगे। आजकल आप बताना अपना हालचाल कमेंट के अंदर। और आज के अगर आप मौसम की अपडेट दी जाए तो अभी तो बारिश ही हो रही है। अब बहुत तेज़ बारिश हो रही है और इधर आप देख सकते हैं हरियाली और हवा भी चल रही है। और आज हम मारने वाले क्राफ्ट, मैंने सोचा आपका आज का अपडेट दे देते थे। और सब गाइस, कैसे आप सब लोग? आए हम सब बढ़िया होंगे। तो आज हम बनाने वाले हैं ब्लॉग की जगह क्राफ्ट। तो अभी हम दिखाएंगे, मैंने सोचा आज आपको हम कुछ मौसम की अपडेट दे देते हैं। मौसम की अपडेट दी जाए तो आज बारिश हो रही है। एक बार आप देख सकते हैं बारिश हो रही है। आज आपको बाहर से दिखाता हूँ कैसा दिख रहा है। खैर कुछ ऐसा दिख रहा है बाहर और बारिश भी हो रही है। हम हाथ भी देख सकते हैं पानी के बूंदे। बारिश थोड़ा तेज होने आ रही है। अभी तो थोड़ा धीरे ही है पर क्या पता तेज हो रहा है, क्या पता रुक जाए। गाइस अभी हमने क्राफ्ट के लिए सामान ले लिया है। हमने एक येलो पेपर लिया है सबसे पहले और अभी हम उसको थोड़ा फोल्ड करेंगे। पहले हमें उसको स्केल से मेजरमेंट करनी है। इसमें जो स्केल की ये लाइन होती है, ये लाइन नंबर्स के नीचे, उसको स्केल पे रखना है और उसके थोड़ा नीचे इतना ऐसे कुछ रखना है स्केल को। और फिर गाइस हमने एक लाइन जैसे खींचनी है, हल्की हल्की हमने खींच दी है। वो दिखने के लिए नहीं है, एकदम हल्की हल्की खींचनी है आपको कि ताकि वो दिखे ना। और फिर जो हमने लाइन खींची थी उसको आपको फोल्ड करना है। अब देख सकते हैं अभी हमें ऐसे तीन बार इसको फोल्ड करना है। और एक और बार करना है, ये तीन बार हो जाएगा। गाइस आप देख सकते हैं अभी ये तीन बार हो चुका है। अभी हमें इसको कट भी करना है। मैं आपको कट करने के बाद मिलता हूँ। गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं हमने एक स्टेप काट ली है। मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। तीन बार फोल्डेड है, आप देख सकते हैं तीन बार फोल्डेड है। हमने इसको अच्छे से फोल्ड कर लिया है। अभी हमें ऐसी दो और चाहिए, मिला के इन तीन, ये तीन हो जाएंगी। दो और मैं आपको बनाने के बाद मिलता हूँ। तो गाइस मैं दो बनाने के आपको बाद मिलता हूँ। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं हमने तीन कर लिए हैं। अभी हमें इसके जो बीच में जो खुला है जिसकी ये साइड है, हमें इसमें फेविकॉल लगाना है। मैं आपको तीनों में फेविकॉल लगाने के बाद मिलता हूँ। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं हमने ये तीन स्ट्रिप काट ही लिया है और इनको चिपका ही दिया है। और अभी हमें क्या करना है, इसको हाफ में फोल्ड करना है। हमने इसको मिलाया और ये लास्ट वाला। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं हमने इसको हाफ में फोल्ड कर ही दिया है। और अभी हमें तीनों को करना है। मैं आपको दोनों को करने के बाद मिलता हूँ। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं हमने तीन स्ट्रिप काट के चिपका के अच्छे से लिए। अभी हमें और तीन स्ट्रिप काटनी है, छोटी छोटी काटनी है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं काटनी। आप देख सकते हैं मैं तो काट लिया, काट लेना। तो अभी हमें क्या करना है, इसको ऐसे चिपका देना है। और ये जहाँ से खुलता है उधर से नहीं, जहाँ से खुलता है उधर से नहीं, ये जो इसका पीछे का पार्ट होगा उसके थोड़ा ऊपर ऊपर इधर कुछ ऐसी जगह पर आपको ये ऐसे फोल्ड करना है, चिपका देना है, मतलब फेविकॉल से अच्छे से फोल्ड करके। मैं आपको तीनों में करने के बाद मिलता हूँ। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने सोचा कि मैं आपको एक बना के दिखा देता हूँ। तो हमें कुछ ऐसे रखना है और इधर से ऐसे फोल्ड करना है, फिर इसको ऐसे देख सकते हैं हमने अच्छे से फोल्ड कर दिया है। और हमें हल्का सा फेविकॉल लगाना है इस पर,
हमने हल्का सा फेविकॉल लगा ही दिया है और हमें अभी इसको फोल्ड करना है। अभी हमने इसको फोल्ड कर दिया, अभी हमें इसको अच्छे से प्रेस कर देना है और अभी हमने इसको अच्छे से प्रेस भी कर दिया है। अब देख सकते हैं हमारे कुछ तीनों ऐसे लग रहे हैं और अभी हमें क्या करना है कि आपको अच्छे से देखना पड़ेगा इसको। ये जो है इसको हमें इसको ऊपर को उठा देना है कुछ ऐसे। और इसको ऐसे पहले इसके हाफ को ऐसे फोल्ड कर देना है, फिर इसको वापस हाथों का। अभी आप देख सकते हैं हमने इसके हाफ को फोल्ड कर दिया, थोड़ा और फोल्ड कर देते हैं हम। बस गाइस इतना ही बहुत है, आप देख सकते हैं ये कुछ ऐसा दिख रहा है अभी। और अभी हमें ऊपर वाले को भी करना है, तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ ऐसा बन चुका है अभी, कुछ ऐसा होना चाहिए आपका, नीचे से बड़ा ऊपर से छोटा। हम आपको तीनों में करने के बाद मिलते हैं। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं हमने बना लिया, अभी हम इसके नीचे से एक फोल्ड भी डालना है, थोड़ा नीचे से एक फोल्ड डालना है। आप वो देख सकते हैं हमारा भी कुछ ऐसा दिख रहा है और नीचे से ही फोल्ड डाल दिया है, इधर से हमने अभी डाला है। हमें ऐसे तीनों में करना है, और गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं बस मैंने लगभग तीनों में कर ही दिया है। हाँ मैंने अभी तीनों में कर दिया है, अभी हमें एक गोल राउंड पाइप जैसी बनानी है। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं हमने एक गोल पाइप बना ही ली है और अभी हमें क्या करना है इसके ये लगानी है, पाइप के अंदर ये ऐसे लगाना है कुछ, अच्छे से प्रेस कर देना है ताकि जल्दी से चिपक जाए। गाइस आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया होगा हम क्या बना रहे हैं, अगर किसी ने देखा होगा इसको ही। और गाइस हमें तीनों को ऐसा करना है, मैं इन दोनों को करने के भी बाद मिलता हूँ आपको उससे। और गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं अभी हम बनाएंगे एक गोल गोल चीज, ऊपर से आपको बड़े होने देना, नीचे से एकदम पतला होना चाहिए। तो वैसे कुछ ये ऐसा दिख रहा है और इसको ऐसे करा और आप फेविकॉल भी लगा सकते हैं, फिर मैंने इधर टेप लगा दी है। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो हमने एक क्लॉ बनाया था ना इसके अंदर, अभी हमें ये जो डाला ये जो है इसके अंदर डालना है, अभी हमें जितना जाएगा उतना डालना है हमें। अभी आप देख सकते हैं मैं आपको दिखाता हूँ, तो आपको ऐसे इसको अंदर को प्रेस करते जाना है, जहाँ तक ये प्रेस हो जाता है वहीं तक ठीक है। तो जैसे कि इतना हमारा पेपर बच गया है ऊपर को, तो अभी हमें इसका क्या करना है, अभी हमें इसको कट करना है, देना है आपको कट करने के बाद मिलता हूँ। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं अभी कुछ ये ऐसा दिख रहा है, अंदर से हमने पेपर लगा दिया ताकि ये ज़्यादा हिले डुले ना और फेविकॉल से अच्छा काम ना हुआ हो। तो अभी कुछ ऐसे ऐसे दिख रहे हैं, अभी हमें नीचे से क्या करना है, एक पेपर चाहिए हमें उसके लिए, हमने लिया है पिंक पेपर, ये हमने पिंक पेपर लिया है और अभी हमें इसको ऐसे गोल रैप करना है इस ब्लैक पेपर पर। ब्लैक पेपर है ये, इस पे तो
इधर देख सकते हैं हमने कुछ ऐसा पिन कर दिया है, थोड़ा हमें टाइट करने की ज़रूरत थी। हाँ तो वैसे अब ठीक है, अब हमें इस पर हल्की सी टेप लगा दी है ताकि खोले रहा। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं अभी हमने ये भी कर लिया है, और अभी हमें क्या करना है इसको ऊपर को कर देना है, और ये जो इसके हमने इधर बोर्डर था ना ये जो है कोन, इसको हमें थोड़ा नीचे को करके इधर ऐसे सारे कोन्स को एक साथ चिपका देना है, एक साथ तो नहीं थोड़ा स्पेस डाल के ऐसे, आप देख सकते हैं हमें इनको चिपका देना है। हम इन पर भी टेप लगाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं हमने एक पे लगाई है, हम दूसरे पे भी लगाएंगे थोड़ा पोजीशन लेके। हमने इस पर भी लगा दी है। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं अभी हमें इनको बराबर कर देना है अच्छे से, या फिर बराबर छोड़ के हमें इसके ऊपर से कोई पेपर कलर का पेपर लगा देना है, या फिर हमें हल्का सा येलो ही लगा देते हैं, या फिर आपकी मर्ज़ी आप कोई भी कलर लगा सकते हैं। हमने क्या करा, हम हल्का सा ग्रीन लगाएंगे इस पर, ग्रीन पेपर को कट करके ग्रीन लगाएंगे। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक चीज़ को पकड़ने वाली है, मैंने आपको अब बता दिया है, और अभी ये जो नीचे से ये चीज बच रही है बहुत लंबी लग रही है, तो अभी हम क्या करेंगे इसको अच्छे से थोड़ा इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे। अभी भी गाइस थोड़ा सा लंबी लग रही है तो हम इसको थोड़ा काट ही देते हैं। हमने अभी इसको काटा और अभी हमें इसको ऊपर को फोल्ड करना है कुछ ऐसे ताकि इसके बीच में आपके फिंगर चले जाए। और आपको इधर कुछ आप पकड़ने का बना सकते हो अपने, हम इसको थोड़ा मोटा कर देंगे जैसे। तो गाइस जैसे कि आपको आप देख ही सकते हैं कि हमने बना दिया है, आप देख सकते हैं हमने बना दिया है, मैं आपको एक टेस्ट करके दिखाता हूँ। ये गाइस आप देख सकते हैं ये मेरा स्कूल का काम है, और ये मैंने ऐसे ही नहीं बनाया है, मेरा स्कूल का काम है। और मैं आपको एक दिखाता हूँ, ये है चिड़िया हमारी, और ऐसे इसको खोला और इसको से पकड़ लिया। गाइस आप देख सकते हैं ये चिड़िया को भी उठा लेता है, आप देख सकते हैं अच्छे से। तो गाइस अगर आपको मेरा ये आज का अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, और जो भी इस चैनल पे न्यू है वो जाके जल्दी से सब्सक्राइब कर देना और मेरी इस वाली वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं जल्दी नई क्राफ्ट या फिर ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।